क्या आप एक गूगल पे अकाउंट बनाना चाहते हैं गूगल पे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैसे क्रिएट करेंगे इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार गूगल पे के अंदर एक नया अकाउंट कैसे बनाया जाता है अगर आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा कि आखिरकार गूगल पे अकाउंट बनाने का क्या प्रोसेस होता है और यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाले हैं 2023 में कि आखिरकार गूगल अकाउंट कैसे बना सकते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आप ये वीडियो ध्यान से देख लीजिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे अपना बैंक कैसे ऐड करेंगे सबसे पहले आपको इसमें एक नया अकाउंट बनाना है तो अकाउंट बनाने से पहले आपको गूगल पे डाउनलोड करना होगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए अगर आप इसमें एक नया अकाउंट बनाएंगे तो आपको अकाउंट बनाने का अप टू फिफ्टी रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा यानी कि पचास रुपये का तो अगर आपने डाउनलोड करके रखा है तो उस पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको रिमूव या डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाएगा इसे आप डिलीट कर दीजिए और लिंक में आपको क्लिक करके फिर से आपको डाउनलोड कर लेना है क्योंकि आप एक नया अकाउंट बना रहे हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग का पचास का कैशबैक मिल जाए अब आपको यहाँ पर गूगल पे ओपन कर लेना है जैसे आप ओपन करेंगे इस तरीके से आपका गूगल पे ओपन हो जाएगा यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा जो आपके बैंक में लगा होगा तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर को डाल देंगे डालने के बाद नीचे मिल जाएगा कंटिन्यू आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका मेल आई आ जाएगा आपको यहाँ पर क्लिक करके अपनी मेल आई को चूज करना है उसके बाद नीचे मिल जाएगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है आपके सामने आ जाएगा ओ टी आपके नंबर पर एक ओ आ जाएगा वो आपका वेरीफाई होगा और उसके बाद जो आपका गूगल अकाउंट है यानी कि गूगल पे का अकाउंट है वो यहाँ पर बन जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अब यहाँ पर आपका अकाउंट बन चुका है इस पर आप क्लिक करके और आपका अपने सारे अकाउंट को देख पाएंगे ध्यान से अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा अगर आप बैंक अकाउंट ऐड नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पर आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे ना ही आप रिसीव कर पाएंगे तो यहां पर आपको करना क्या है कि आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहीं पर मिल जाएगा ऐड बैंक अकाउंट आप इस पर क्लिक कर दीजिए नहीं तो आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा यहाँ पर मिल जाएगा चेक बैंक बैलेंस आप इस पर क्लिक कर देंगे तो भी आपके सामने आ जाएगा ऐड बैंक अकाउंट आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारी बैंक निकल के आ जाएंगे इनमें से आपकी जो भी बैंक हो वो आपको सेलेक्ट करना होगा तो हम यहाँ पर अपनी बैंक को सर्च करेंगे हमारी जो पे बैंक है वो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं इंडियन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तो जैसे हम सर्च करेंगे हमारे सामने आ जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हम इस पर क्लिक करेंगे नीचे मिल जाएगा कॉन्टिन्यू हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको अलाउ पर क्लिक करना है उसके बाद अलाउ कर देना है उसके बाद आपका यहाँ पर एस सेंड होगा उसके बाद नंबर वेरीफाई होगा थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो यहाँ पर एड हो जाएगा जैसा अभी आपको हम दिखाते हैं फाइंड बैंक अकाउंट आ चुका है हमारा बैंक अकाउंट यहां पर आ गया है इसे हमको यहां पर सेलेक्ट करना होगा उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करना है जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा अपने एटीएम कार्ड का यहाँ पर डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा अपने एटीएम कार्ड के आखिरी के छः अंक यहाँ पर डाल देंगे उसके बाद अपने एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट डाल देंगे राइट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक अपना यू पिन सेट कर लेना है तो हमारे ऐसे बैंक अकाउंट का अभी ए टी कार्ड हमें हमारे पास नहीं आया हुआ है तो हम यहाँ पर अपना दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर लेते हैं कंटिन्यू करेंगे एस एस सेंड होने लगेगा वेरीफाइड नंबर होगा और नंबर होने के बाद थोड़ा सा हम इंतज़ार करेंगे और हमारे सामने जो हमारा अकाउंट नंबर है वो हमारे सामने आ जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होगा और हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं एडिंग बैंक अकाउंट तो हमारे सामने बैंक अकाउंट हमारा ऐड हो गया है और इस बैंक अकाउंट का मैंने यूपीआई आईडी बनाया हुआ है यानी कि जिसे कहते हैं यूपीआई पिन वो मैंने बनाया हुआ है तो आपको अपने बैंक का एक बार यू पिन बनाना होगा यू पिन बनाने से पहले मैंने आपको बताया है कि अपने ए कार्ड के आखिरी के छः अंक और अपना एक्सपायरी मंथ डाल देंगे फिर आप अपना यू पिन बना लेंगे बनाने के बाद फिर आपको अपने चेक बैंक बैलेंस पर क्लिक करना है यहाँ पर आपका बैंक आ जाएगा और आपने जो यू पिन बनाया हुआ है वो अपना यू पिन यहाँ से डाल देंगे उसके बाद अपना यू पी पिन डाल देंगे राइट कर देंगे तो जो आपका बैलेंस होगा आपके बैंक में वो यहाँ पर देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो इस तरीके से अपना बैंक ऐड करेंगे यू पी पिन बनाएंगे और अपना बैलेंस आप देख पाएंगे अब बात आती है कि आप इसमें मोबाइल का रिचार्ज कैसे करेंगे या मनी ट्रांसफ़र कैसे करेंगे या आप बिजली का बिल कैसे जमा करेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे दो या तीन या चार ऑप्शन कि आखिरकार पैसे कैसे भेजना चाहते हैं तो किसी का क्यू कोड स्कैन करके यहाँ से पैसे दे सकते हैं और किसी के नंबर पर पैसे देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं या उसका फोन नंबर डाल के पैसा देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं अगर उसके बैंक में भेजना चाहते हैं तो यहाँ से भेज सकते हैं अगर उसके यू पी या नंबर पर भेजना चाहते हैं तो यहाँ से भेज सकते हैं सेल्फ ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये होता है कि आप अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजना चाहते हैं तो यहाँ से भेज सकते हैं इन पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि गूगल पे से पैसे कैसे भेज जाता है और पैसे भेजने के पांच आसान तरीके हैं उस वीडियो में मैंने आपको एक एक तरीका के बारे में बताया हुआ है अब बात आती है मोबाइल

जमा कर सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया गूगल पे हो गया फास्टैग हो गया गैस का हो गया मोबाइल का हो गया यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड का हो गया डी का हो गया जिसका देना चाहते हैं उसका दे सकते हैं मैंने आपको इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि बिजली का बिल कैसे जमा करते हैं तो उसे आप यहां से जमा कर सकते हैं वो आप वीडियो बाद में जरूर देख लेना तो ऐसे तरीके से आप गूगल पे का फुल इस्तेमाल